भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था अबाउट कॉमेडी इन सिनेमा. तो उस पैनल पे थे हमारे आनंद राय साहब भी थे उस पैनल में. एंड इट वाज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज फॉर मी, मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत डिस्कस करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, बट व्हाट इज द स्टूडेंट्स, व्हाट आर दे एक्सेप्टिंग, व्हाट आर दे पिकिंग अप. एंड समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट पूरे डिस्कशन में एक लाइन पकड़ के वो जिंदगी भर उनको दे गेट अफेक्टेड बाय इट, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मिस्टर राय बींग सच अ प्रोफेशनल फिल्म मेकर एंड सुभाष जी, वो हाउ कैन वी फॉरगेट सुभाष जी, अपने एक्सपीरियंसिस के बारे में, कॉमेडी के बारे में, राम लखन की बहुत जिक्र की उन्होंने. एंड द वे ही डायरेक्टेड इज एक्टर्स एंड द वे ही इंटरप्रेटेड अ सीन विद द एक्टर्स ऑन, तो बहुत कुछ मुझे भी सीखना मिला. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए वो सबसे खुशी की बात है. मैं हर जगह जाता हूँ, थोड़ी बात करता हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो सीखता हूँ वो मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ उस बारे में. मुझे अच्छा लगता है कुछ घर लेके जाऊँ फॉर माय नेक्स्ट 20 ईयर्स. बच्चे नहीं है मतलब, बट नहीं, वो क्या होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं और यंग होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, लेकिन कॉलेज में होते हैं, वो थिंकिंग जो होती है ना बहुत रॉ और बहुत प्योर होती है वो थिंकिंग. और वो थिंकिंग इसलिए रॉ और प्योर होती है क्योंकि हमारे पास एक तो यूथ है, दूसरा कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है कि हमें ये फिल्म के लिए इतने पैसे खर्चे तो ये उसका आउटपुट होना चाहिए, उसका आउटपुट इतना होना चाहिए. इट इज़ अ प्योर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ मनी. बस काम करो, अपने दिल की जो भी एक्सप्रेशन है, अपने दिमाग की, अपने क्रिएटिविटी की जो भी एक्सप्रेशन है, आप कर लीजिए, ये मौका है. और अगर वो आप कायम रख सकेंगे जिंदगी भर, तो आपसे बड़ा कोई इंसान हो ही नहीं सकता या क्रिएटिव इंसान हो नहीं सकता. बिकॉज टू मेंटेन ये जो मासूमियत होती है ना स्टूडेंट्स की, वो मेंटेन करना अगर वो कोई कर सके ना, तो कमाल हो जाएगा. मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच कि इतने अच्छे लोग जो इतने जेन्युइनली हमारे स्टूडेंट्स को ऑनेस्ट एडवाइस देते हैं. इन बच्चों का करियर है इस इंडस्ट्री में, तो जब ये ऐसे स्टॉलवर्ड्स बोमन जी जैसे, आनंद जी जैसे हमारे वेस्टिंगहाउस में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और स्टूडेंट्स को बहुत सीखने मिलता है, और यही हमारे वेस्टिंगहाउस की खासियत है. मतलब क्लास के अंदर ही या क्लास के बाहर की? मुझे कॉलेज में इतना याद है कि मैं हमेशा कुछ अलग ही करना चाहता था. मतलब चाहे एक्टिंग हो या सिंगिंग हो या थिएटर हो या कुछ भी, आई वॉन्ट टू डू इट डिफरेंटली. क्योंकि उस वक्त हमें किसी को कुछ प्रूव करना नहीं है, मतलब सिर्फ हम अपने लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं. तो आई ट्राइड टू बी वेरी डिफरेंट इन कॉलेज, और वही मेरी स्ट्रेंथ थी. कॉलेज में जो भी करता अलग से करता, दुनिया इस तरफ जाए तो मैं उस तरफ कुछ करता था. इंटरप्रिटेशन अगर ट्रेजेडी को तो मैं कॉमेडी की करता था, और कॉमेडी को तो उसको सैड बनाने की कोशिश करता था. डू एवरीथिंग सबवर्ट, मैं बहुत सबवर्सिव नेचर का था. सर वो हम कॉलेज में यहाँ पे कभी नहीं, नॉट टुडे, मैं इसके लिए आया हूँ, कभी और कभी बात करेंगे, करेंगे लेकिन आज नहीं.